अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर घर में बनाई जाती है और तकरीबन घर के हर फर्द को बहुत फेवरेट होती है। सादा सा खाना है जो हर घर में ही बनाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए आलू कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो बनाइएगा आप मेरे सिंपल से स्टाइल से, तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी। सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 kg के करीब कीमा है और दो दरमियाने साइज़ के आलू हैं, दो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने काट लिया है, और दो ही दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और यहाँ 2 tablespoon के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, यहाँ थोड़ा सा ज़ीरा और 2 दालचीनी की स्टिकें हैं, 3 tablespoon के करीब दही है और तकरीबन 6 के करीब ग्रीन चिलीज हैं, और यहाँ अगर ड्राई मसाला में देखें तो यहाँ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर दोनों का 1-1 tablespoon है, थोड़ा सा सॉल्ट है तकरीबन 1 teaspoon के करीब सॉल्ट है, और 1/2 teaspoon के करीब हल्दी पाउडर है, यहाँ 1 teaspoon के करीब ब्लैक पेपर है और 1 teaspoon के करीब ये गरम मसाला है, और यहाँ मेरे पास 6 के करीब ड्राई रेड चिलीज हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप अपने कीमे के हिसाब से तेज कीमे ऑयल डाल लेंगे जितना आपको रिक्वायर हो। इसके साथ ही यहाँ जो मैंने तकरीबन 6 के करीब ये मेरे पास ड्राई चिल्ली हैं, इनको मैं हल्का सा इसमें रोस्ट करूँगी। ये हल्के से फ्राई हो चुके, इनकी खुशबू भी आने लगी, तो अब हम इन सबको ऑयल से बाहर निकालेंगे। मैं रेड चिली को निकाल चुकी, अब उसी ऑयल में हम अनियन को डाल देंगे। अनियन को हल्का गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज फ्राई हो रहा है हमारा, देखिएगा जब लाल मिर्चों को ऑयल में फ्राई करने के बाद निकालना था तो उसके बाद जीरा और सिनेमन स्टिक डालनी थी, जो कि सॉरी मैं डालना भूल गई, लेकिन आप ज़रूर तब डाल दीजिएगा, लेकिन अब हम इससे अभी भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे तो इसको अच्छे से चला लेंगे। हमारा प्याज तकरीबन हल्का हल्का सा ड्राई हो चुका है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें 2 tablespoon के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट हर रोज़ फ्रेश बनाती हूँ। डालने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज लहसुन अदरक और ज़ीरा और सिनेमन स्टिक में डाल चुके, ये हल्के हल्के फ्राई हो चुके और खुशबू भी आने लगी, तो अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। कीमा डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। कीमे को मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए हाई आंच पे गर्म तेज आंच करके तो 2 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसका कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम यहाँ इसमें सारे मसाले डाल देंगे। यहाँ मेरे पास है 1 tablespoon के करीब धनिया पाउडर, 1 tablespoon ज़ीरा पाउडर, 1 teaspoon हल्दी और 1 teaspoon ही सॉल्ट। सॉल्ट मैं इसलिए कम ऐड करती हूँ क्योंकि बाद में भी डाला जा सकता है चेक करके। डालने के बाद वो लाल मिर्चें जो हमने स्टार्टिंग में
ऑयल में फ्राई तो ये थी, अब मैंने उनको हाथ से मोटा मोटा तोड़ लिए हैं, साथ ही ये भी डाल दूंगी। ये भी डालने के बाद इसे हिला के साथ ही इसमें मैं दो टमाटर थे जिनको मैंने काट लिया था वो भी डाल दूंगी इसमें। इनको भी अच्छे से हिलाने के साथ यहाँ मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब दही है, इसको भी डाल दूंगी साथ ही। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर आलू कीमा बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी बनेगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब इसको अच्छे से हिलाने के बाद मैं इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए ढकने के ढक के रख दूँगी ताकि अच्छे से टमाटर और दही सब कुछ पक जाए। अब मैं इसको ढक्कन लगा के बंद कर दूँगी। कीमे में मैंने दही और टमाटर और सारे मसाले डाल दिए थे, देखें टमाटर और दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। इससे पहले मैंने इसमें काली मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट, हल्दी और साथ में दही और टमाटर डाल के तो इनको अच्छे तरीके से भून लिया है, ये ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर भी कुछ गल जाए। अब इसके बाद हम इसमें 1 कप के करीब 1 कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि हमारा कीमा भी गल जाए और मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाए। मैंने यहाँ गर्म पानी यूज़ किया है, गर्म पानी से आपके खाने की रंगत बहुत अच्छी आती है। तो अब हम इसे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से कीमा गल जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हमारा कीमा बनते हुए। ये गल भी चुका है, मैं इसे चेक कर चुकी, लेकिन अभी इसमें थोड़े थोड़े टमाटर नज़र आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अभी स्टेज पर हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने काट लिया। काटने के बाद हम कीमे के साथ इनको भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। मैं कीमे को और आलू को एक साथ भून चुकी 1-2 मिनट के लिए। आलू डाल के कीमे के साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको भून लिया। भूनने के बाद अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे अच्छे से आलू गल जाएं। अब मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आलूओं को गलने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट के करीब हो चुके हैं हमारे आलू कीमा को रेडी होते हुए, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तैयार ही है। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। आलू भी हमारे गल चुके हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब मेरे पास गरम मसाला है, ये डाल दूंगी। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू कीमा, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा।
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ साथ ही मैं इनमें इसमें थोड़ा हरा धनिया, और ग्रीन चिली भी डाल दूंगी जिनको मैंने दरमियान से थोड़ा सा कट लगा लिया है, तो बस साथ में मैं ये भी डाल दूंगी। और इसको एक दो मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। एक से दो मिनट हो चुके हमें इस पे दम इसको दम पे रखे हुए, तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक भी देख सकते हैं और टेस्ट भी मैंने चेक कर लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट कम था जो मैंने डाल लिया है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी सिंपल सी रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का ख्याल, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।